प्यारे बच्चों, उसी का आज पार्ट टू नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15,37,98,905। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1,98,90,905। फाइंड द अदर नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर टू है। इन हिंदी द सम ऑफ टू नंबर्स इज, दो संख्याओं का योग कितना है, इतना है। उसमें से एक संख्या इतनी है। इफ वन ऑफ द नंबर, तो पूछ रहा है फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरी कोई अन्य संख्या क्या होगी। दो संख्या दी गई है, उसमें से दोनों संख्याओं का योग इतना दिया गया है, उसमें से एक संख्या इतनी है, हमको दूसरी संख्या बतानी है कि क्या होगी। आइए हम इसे सॉल्व करेंगे। द लिखेंगे द टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का योग कितना है, 15,37,98,905। इफ वन ऑफ द नंबर्स, उसमें से एक संख्या ये है 1 of the numbers, उसमें से पहली संख्या ये है, क्या है, 5, 0, 9, 90, 98 and 8। तो हमें कोई दूसरी संख्या इसमें से बतानी है। जैसे आपके पास 10 rupees हो, आपके पास 10 rupees हो, उसमें एक 5 का सिक्का हो तो दूसरा भी 5 का होगा। पर अगर आपके पास 15 rupees हो तो 15 में एक 10 या तो एक एक ही सिक्का होगी, और या तो एक 10 rupees होगा और एक 5 होगा। तो एक हमको पता है कि हमें 15 rupees में से एक नोट हमारे पास 10 का है। अब बताइए उसमें से कितने नोट और हैं, मिल जाएं तो बनके 15 हो जाएं, तो कि तो हम उसमें से एक दूसरी संख्या 5 लगा देंगे, तो 10 में 5 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसे दो संख्याओं का योग इतना दिया गया है, उसमें से एक संख्या में इतनी मिल गई है, तो दूसरी संख्या या अन्य कोई संख्या बतानी है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। 0 में से 0 गया कुछ नहीं, सॉरी 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, यहाँ 7 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी रहेंगे, ये 17 हो गया, और 17 में से 8 गया तो क्या बचा, 9, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 बचा, एक कैरी लेंगे क्या हो जाएगा 12, और 12 में से 9 जाएगा 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा 4, एक कैरी लेंगे 14, और 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचा 6। क्या लिखेंगे हम, फाइंड द अदर नंबर, अदर, ये हमको कोई अन्य संख्या उसकी दूसरी संख्या का पता चल गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप